पप्पू आ जा जल्दी। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहती हूँ, ऐसे मैं बहुत लोग मैम सर को जानते होंगे, मैं परिचय दे दूँ। मैम है उत्तरा मानिकपुरी DOC स्काउट गाइड से गाइड में, और सर है दिगंबर सिंह कौशल सर, वो DOC स्काउट है, और मैं स्वयं पुष्पा शांडिल सहायक राज्य आयुक्त। तो जैसा कि प्रशिक्षण इस वर्ष के शुरू में ही आप लोगों को दिया जा चुका था, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ले भी चुके होंगे या दोबारा ले रहे होंगे या पहली बार ले रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ये भूमिका बनाई गई होगी कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। तो आप सभी उससे परिचित होंगे। हम स्काउट गाइड जो है यहाँ पे आपको यह बताएंगे कि आपदा जब भी आती है तो किस प्रकार से पीड़ित की सहायता की जाए। तो यदि कोई हमारे सामने पीड़ित व्यक्ति है, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, प्राथमिक उपचार कराना। प्राथमिक उपचार मतलब हम तो डॉक्टर है नहीं, हम तो उसका इलाज कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर के पास आने के पहले तक हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी मैं, अगर जो है कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित है या भूकंप आ गया है, किसी को चोट लग गई है या कोई सांप बिच्छू या कोई भी किसी प्रकार का काट अगर उसको देता है, तो हम उसको अस्पताल तक या सुरक्षित स्थान तक कैसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम मानव स्ट्रेचर के बारे में बात करेंगे। मानव स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति घायल है, बेहोश है, तो उसे उचित स्थान पर पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि छोटा बच्चा है तो हम उसको गोदी में उठा करके ले जा सकते हैं, लेकिन यदि वो बड़ा हो व्यक्ति और उसको एक व्यक्ति उठा करके नहीं ले जा सकता, तो दो व्यक्ति की सहायता से या चार व्यक्ति की सहायता से उसे उठाकर ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि यदि हमारे पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है, तो हम मानव स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह की स्थितियाँ होती हैं, जब दो तरह की स्थितियाँ होती है, एक होता है जब मरीज जो होता है वो होश में होता है, तब हम उसे किसी सहारे के मदद से इधर उधर ले जा सकते हैं। एक दूसरी स्थिति होती है जब मरीज जो होता है वो पूरी तरह से बेहोश होता है। और स्ट्रेचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मानव स्ट्रेचर, दूसरा होता है यंत्र स्ट्रेचर। तो मैं अभी शुरुआत मानव स्ट्रेचर से कर रहा हूँ। उस स्थिति में जब मरीज होश में है, उसके किसी एक पैर में चोट है, वो चल पाने में समर्थ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें मानव स्ट्रेचर बनना है। उसके जिस तरफ जिस पैर में उसके चोट है, उस वाले हाथ को हम अपने कंधे में लेंगे, उसके पैर को अपने पैर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इस पैर में जो चोट लगा है और ये चल पाने में असमर्थ है, उस पैर को हम अपने पैर के ऊपर ले लेंगे और बहुत ही आसानी से हम इनको से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इस पैर में चोट है तो इस पैर में वो वजन बिल्कुल नहीं देना है उसको, इसलिए उस पैर को हम अपने पैर के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हम उसे डॉक्टर के पास तक या एम्बुलेंस के पास तक के हम आसानी से ले जा सकते हैं। ये स्थिति तब निर्मित होती है जब मरीज के एक पैर में चोट है, वो चल पाने में या होश में है उस स्थिति में। दूसरा जो स्थिति जो निर्मित होता है वो है अगर मरीज जो है वो होश में नहीं है और उसका जो वजन है वो हम अकेले उठा पाने में सक्षम है, उस स्थिति में हम क्या करना है, उसको मरीज को कंधे पे हम इस तरह से जो कमर है वो हिस्सा हम अपने कंधे पे रखेंगे और इस तरह से हम उठा के मरीज को भी ले जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे उसका जो सर है वो पीछे होना चाहिए और इस तरह से हम आसानी से कैरी करके हम उठा के ले जा सकते हैं। हमें ध्यान रखने वाली बात यहाँ की यह है कि मरीज का जो वजन है वो हम उठा पाने में अकेले सक्षम हो, तब अगर कोई बच्चा है या जैसे आप देख रहे हैं ये थॉमस स्काउट है, तो इसका जो वजन है वो मैं आसानी से अकेले उठा पा रहा हूँ, उस स्थिति में हम इस तरह से उठा करके ले जा सकते हैं। दूसरी स्थिति निर्मित होती है अगर हम दो लोग हैं, दो हाथों के मदद से हम स्ट्रेचर बनाते हैं। क्या करना है, हमें हाथ को इस तरह से लॉक करना है। ये जो मैं स्थिति बता रहा हूँ मरीज जब होश में हो, इस तरह से बस हाथ को लॉक करना है
मरीज को इसमें बैठाना है, दोनों हाथ अपने कंधे पे रखे बैठ जाए और इसको जहाँ तक हमें ले जाना है हम आसानी से उठा करके ले जा सकते हैं। ये केवल दो हाथों का प्रयोग करके हमने ये मानव स्ट्रेचर तैयार किया है। इसी तरह तीन हाथों का प्रयोग करके हम मानव स्ट्रेचर तैयार करते हैं। ये तीन हाथ का प्रयोग हमने किया है और ये मानव स्ट्रेचर तैयार किया है। ये स्थिति मरीज जब होश में हो तब की होगी। इस तरह से हम जहां तक इसको ले जाना है हमें आसानी से हम ले जा सकते हैं। चौथी स्थिति है चार हाथों का प्रयोग करके, आप सबने वो किया होगा हाथी घोड़ा पालकी वाला, तो चार हाथों का प्रयोग करके ये स्ट्रेचर हम तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा इस तरह से भी हम आसानी से ले जा सकते हैं। एक स्थिति होती है केवल हम दो लोग हैं और हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है यंत्र स्ट्रेचर तैयार करने के लिए और मरीज होश में नहीं है, उस स्थिति में हमें क्या करना है, ये इस तरह से अगर केवल दो लोग हैं और कोई यंत्र स्ट्रेचर हमारे पास नहीं है तब हम इस तरह से मरीज को, अगर होश में नहीं है उस स्थिति में हम ऐसे ऐसे ले जा सकते। ये हो गया मानव स्ट्रेचर एक हाथ की मदद से, दो हाथ की मदद से, तीन हाथ की मदद से और चार हाथ की मदद से। इसके अलावा होता है जो दूसरा स्ट्रेचर है वो है यंत्र स्ट्रेचर। तो यंत्र स्ट्रेचर के अंतर्गत बहुत सारे संसाधन हमारे पास होते हैं आसपास, उसके प्रयोग से हम स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो संसाधन है वो है हमारे पास लकड़ी। अगर दो इस तरह के बांस के डंडे हमारे पास हैं, अगर बांस का भी नहीं है तो जो भी अपने पास वहाँ उपलब्ध होगा संसाधन, ये हमें तय करना है कि वो वजन उठा पाने में सक्षम है कि नहीं होता। और इस तरह से हम स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं डंडों की मदद से, किन किन संसाधनों का प्रयोग करके हम स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं। हमारे पास अगर स्कूल की बात है तो चादर, टेबल क्लॉथ, पर्दा या गमछा, टॉवेल, ये सब तो आसानी से मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो चादर के मदद से हम स्ट्रेचर तैयार कर रहे हैं। पहले चादर को फैला देंगे, इसे रखने का लॉक करने का एक सिस्टम है वो आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह से आधे से कम हिस्से में पहला जो डंडा है वो हम रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। बना रहा था सर। दूसरा जो डंडा है वो ठीक इसके ऊपर रखेंगे जहां तक कि ये फोल्ड हुआ है और बाकी जो हिस्सा है उसे वापस इस तरफ फोल्ड। अभी हमारा एक स्ट्रेचर तैयार हो गया और अब ये कैसे हमें उठाना है, कैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है वो करके हम दिखा रहे हैं। अगर दो लोग हैं, दो लोग के मदद से कैसे हम उठा सकते हैं। बैठने का इसका एक तरीका होता है, शायद सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमारा जो एक पैर है वो पूरी तरह से ऐसे बैठ रहेगा, दूसरा पैर जो रहेगा वो इतना ही बैठ रहेगा। इसका एक रीजन नंबर मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों बैठा जाता है। अगर केवल दो लोग हैं उस स्थिति में हम कैसे उठाएंगे, अभी इसको जहां तक कि हमें ले जाना है हम आसानी से ले जा सकते हैं। हाँ जी, वो लॉक करने का सिस्टम मैं बता दूंगा मैडम। अगर चादर को हम कैसे भी बिछा देंगे तो वो फिसलने का डर रहेगा, उछल में टूटेगा। उसको लॉक करना होता है, लॉक कर